सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाता रमजान के पास में, जो वहां पर जो स्थानीय वोटर्स हैं, मतदाता है, उनके साथ अभी वहां पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे स्थानीय मुद्दे क्या हैं लुंड्रा विधानसभा के। रमजान, हम ये जानना चाहेंगे वहां पे जो स्थानीय लोग हैं वहां पे स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्योंकि पिछले बार के जो विधायक थे उन्हें फिर से इस बार कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया और प्रमोद बिज इस बार भाजपा से टिकट दिए हुए इस बार मैदान में है। कैसे देखते हैं वहां के और क्या विकास के मुद्दे रहेंगे वहां पर? जी, देखा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की ओर से दूसरी बार प्रीतम राम को लुंड्रा विधानसभा सीट से मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो प्रमोद मिश्र को भाजपा ने चुनावी मैदान पर उतारा है। अब विकास की बात करें तो विकास के बारे में यहाँ की जनता बताएगी कि कितना विकास हुआ है और कितना विकास हुआ है। हमारे साथ वोटर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइए, लुंड्रा विधानसभा में कितना विकास हुआ है? तो ये थे वोटर्स जिन्होंने साफ तौर पर प्रीतम राम के विकास के बारे में बताया है और निश्चित तौर पर प्रीतम राम को इस बार कांग्रेस ने भरोसा दोबारा जताया है। तो कितना खड़े उतरेंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। हमारे साथ एक और वोटर थे, इनसे ही बात कर लेते हैं। जी बताइए, लुंड्रा विधानसभा में कितना विकास देखते हैं, कितने वादे पूरे, कितने अधूरे? निश्चित ही लुंड्रा क्षेत्र में बहुत ही विकास हुआ है। पिछले बार जैसे कर्जा माफ हुआ, किसानों को उसका काफी लाभ हुआ, कर्जा माफी के अलावा बिजली भी लाभ हो गया, उसमें भी लाभ मिला। इसके अलावा गोधन न्याय योजना और कई योजनाएं जो छत्तीसगढ़ सरकार जो चल रही है, इससे भी अलग अलग सरकार की लाभ हुआ हमको। यहाँ पे देखा जाए तो तिरास्त्र योजना भी चल रहा है जो की छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मतलब योजना है, जिससे हमारे आज गाँव को काफी विकास हुआ, इससे किसानों को लाभ मिला है। और इसके अलावा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर जो स्कूल बना, इससे सबसे लाभ हुआ। रोड यहाँ पे नहीं था बढ़िया, रोड बन गया, ग्राउंड मिल गया था। यहाँ वाकई में पिछले सत्र से जब से कर्जा माफी हुआ उसके बाद से लेके अब तक का काफी यहाँ विकास हो चुका है। और धन्यवाद रमजान, आप हमसे जुड़े, आपने वहाँ के